बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। ये 21 की आर्क है और ये 7 सेंटीमीटर की। इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सेक्टरी तो बन गया और ये शेडेड रीजन हमारा ये है। इस शेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो बड़े सर्कल में से बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, रेडियस ऑफ ए बी आर्क दैट इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सी डी आर्क दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ ए बी माइनस सेक्टर ओ सी डी। बस यही फाइंड आउट करना हमने। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वेयर मीन्स 21 इंटू 21 माइनस उसका एरिया 30 अपॉन 360 इंटू पाई और रेडियस हमारा 7 इंटू 7 हो गया। कॉमन जो भी हो रहा है 30 अपॉन 360 इंटू 22/7, 21 का स्क्वेयर 441 माइनस 7 का स्क्वेयर 49 हो गया। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, 12 2 से कैंसिल किया 6, ये हो गया 11, तो 11/42 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, 11 माइनस 2 13 माइनस 4 9 एंड 3 392। फिर 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 6 जा 7 5 जा 35 4 7 6 जा 2 से डिवाइड करेंगे 3 28 308/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट क्या कहता है, इन गिवन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 14, एंड ए बी भी हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। अब बी सी को डायमीटर लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम इस पूरे एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, इसका मतलब ये पूरा जितना भी है उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। बट पूरा कैसे निकलेगा, या तो हम ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दें तो सारा हो जाएगा, और फिर उसमें से क्वाड्रेंट का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज 14 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारे पास ए सी और ए बी की वैल्यू है। ठीक है, क्वाड्रेंट है तो यूजिंग मुझे बी सी डायमीटर, रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा, डायमीटर निकलेगा तभी उसका रेडियस आएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो बी सी स्क्वेयर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो हो जाएगी 14 का स्क्वेयर प्लस 14 का स्क्वेयर,
दैट मीन्स 2 × 2 टाइम्स हो गया 14 का स्क्वेयर। जब आप इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये तो बन जाएगा 14 और 2 हो जाएगा रूट में 14√2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस सॉरी डायमीटर, क्योंकि BC आई है हमारे पास। सो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 14√2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ये 7√2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो हमने सारा एरिया लेना है, मीन्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड माइनस, अब उसमें से माइनस क्या करना हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हमारा माइनस हो जाएगा। भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताइए, अब सेमी सर्कल का जो एरिया होता है 1/2 पाई 22/7 आर स्क्वेयर, आर हमारा क्या हो रहा है 7√2 × 7√2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या बनेगा 1/2 बेस 14 हाइट भी इसकी 14 होगी 14 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 × π r² आर हमारा क्वाड्रेंट में तो 14 ही है, सो 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे क्या हो गया 11, ये √2 × √2 हो गया, 2 × 11 = 22, 7 दिस इज 154 हो गया। इसको करेंगे 7 × 14 = 7 = 98 प्लस का 98 माइनस 7 × 2 = 2 से कैंसिल करोगे 2 और 2 से इसको कैंसिल करोगे 7 तो 22 × 7 = कितना बनेगा 154 कैंसिल हो गया 98 cm² इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन, इस रीजन का इन गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। दो क्वाड्रेंट है, एक तो ऐसे क्वाड्रेंट है ये वाला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट यहां से ये वाला क्वाड्रेंट है 8 cm each और क्वाड्रेंट है तो 90 degree, सारी साइड इक्वल होगी तो ये हमारे पास क्या बन गया ABCD। अगर मैं नाम दूं तो ABCD मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये देखिए ये क्वाड्रेंट का मैं सारा एरिया ऐड कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए, इस क्वाड्रेंट को मैं ऐड कर लेता हूँ एरिया ऑफ ABD क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ BDC, इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास कितनी बार ऐड हो जाएगी, 2 बार ऐड होगी, ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को ऐड करके अगर हम ये चीज माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ABCD तो इसमें भी आ गया, एक बार यहां से माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा एक बार, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। और दूसरे तरीके से समझिए, ये मैं 1+2 और 3 कर देता हूं। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3 अगर मैं इनको दे देता हूं, जब मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया करूंगा तो ये क्या बनेगा, मेरा 1+2 बनेगा और अगर मैं इनको करता हूं तो मेरा क्या बनेगा, 2+3 बनेगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके एरिया बोथ क्वाड्रेंट माइनस कर दूं एरिया ऑफ स्क्वेयर में तो क्या बनेगा, 1+2+3 पूरे का माइनस करेंगे तो इसमें से 1 से 1 माइनस होगा, 2 से 2 माइनस होगा, 3 से 3 माइनस होगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट,
दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर विद साइड 8 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वेयर बन गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या बनेगा, 2 इंटू, क्योंकि सेम ही हमारे पास, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वेयर। या फिर ये वाला भी कर सकते थे हम कि 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, रीजन मैंने बांट दिए थे, -1 -2 -3 जो एरिया ऑफ स्क्वेयर है। ठीक है, ये सारा माइनस हो गया। तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, 1/4 पाई आर स्क्वेयर, पाई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारा कितना है 8 इंटू 8 हो गया, माइनस एरिया ऑफ स्क्वेयर, साइड हमारी 8 है, 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल करोगे 4, तो ये बन जाएगा 88, 704/7 माइनस का 64। एलसीएम 7, 704 माइनस 448, 695, 456, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज योर आंसर। ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान सा ये चैप्टर था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।